या आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। ग्राम चमरवा के पूर्व प्रधान वार्ड नंबर 19 अनवर अली जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। पूर्व प्रधान अनवर अली वार्ड नंबर 19 से जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आजाद उम्मीदवार, मेरे साथ जनता का समर्थन है और इंशा अल्लाह जिला पंचायत चुनाव जीतूंगा। मेरे साथ पूर्व क्षेत्र का समर्थन है। वर्तमान में मेरी भाभी प्रधान रही, उसके बाद मेरी पत्नी प्रधान रही और मैं भी पूर्व प्रधान रहा। अब मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने हमेशा जनता का साथ रहा है, अपने क्षेत्र में विकास कराया है। अभी मैं जीतने के बाद विकास करूँगा। सबका साथ सबका विकास में हमें आजाद उम्मीदवार रहा। अभी जिला पंचायत चुनाव आजाद उम्मीदवार से ही रहूंगा। कई पार्टियों के भी आए हैं, मैं हमेशा आजाद उम्मीदवार रहा और हमेशा जीता हूं। 2000 से चुनाव लड़ता आ रहा हूं। पिछली बार 1700 वोट काट दिए गए, वह सूची गायब हुई, आज तक पता नहीं चला। जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। ग्राम चमरवा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ग्राम चमरवा में विकास नहीं हुआ है। अगर मेरी बात गलत हो तो मैं जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिसकी जांच होनी चाहिए। अनवर अलीपुर प्रधान के जुबानी खुद सुनिए। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए डॉक्टर नासिर सूरी की रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, मैं भाई अनवर भाई से पूर्व प्रधान से बात करूंगा कि क्या मामला है, अब आने वाले समय में क्या चुनाव लड़ेंगे, कैसे कौन सा चुनाव लड़ेंगे, जी बताएं। मेरा नाम अनवर अली है जी। ग्राम पंचायत चमरवा का मैं पूर्व प्रधान रहा हूं और अब मैं वर्तमान में मेरे परिवार से प्रधानी लड़ी जा रही है और जिला पंचायत का उम्मीदवार वार्ड नंबर 19 से मैं हूँ। मेरा कौन सा चुनाव लड़ेंगे? मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। आपको समर्थन कितने लोगों का है? मेरे साथ तो भले लोगों का समर्थन है और मेरा इतिहास रहा है कि मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। मेरी भाभी प्रधान रही, 2000 में मैं प्रधान रहा, 2005 से 2010 तक मेरी भाभी प्रधान रही, 2010 से 2015 तक मेरी बीबी प्रधान रही। उसके बाद मुझे वोटर लिस्ट काट दी गई उस वक़्त 2015 में, तो मुझे चुनाव का हार का मुंह देखना पड़ा। वरना पूरी लहर रहती है मेरे साथ, हर वर्क रहता है, भेदभाव नहीं किया कभी, हर वोटर को और सपोर्टर को भरपूर इज्जत दी होगी मैंने। मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, किसी ने वोट दिया किसी ने नहीं दिया, जीत के आने के मैं सबका शुक्रिया अदा करता था और सबका काम करता था। कई साल प्रधान रहे आप? मैं 5 साल रहा, 5 साल मेरी भाभी रही, 10 साल 5 साल मेरी बीवी रही, लगातार रही, बिल्कुल नहीं हारे हम। और उसके बाद मतभेद रहा सरकारों से हमारा, सरकार के जो बड़े लोग थे उन्होंने वोटर लिस्ट कटवाई और वोटर लिस्ट का पूरा 1700 वोट चमरुए में कटवाया गया, तो उसके बाद चुनाव हार ही जाओगे आप, बचोगे ही नहीं। एक गांव नहीं होता 1700 वोटों का, यहाँ तो वोटर लिस्ट ही पूरी काट दी थी, उस कारण हम भाई साहब चुनाव हारे थे। बाकी आज आप पूरे गांव में हमारे चमरवा में ग्राम पंचायत में घूमकर देख लें, एक एक आदमी ये बात कहता होगा कि प्रधान जी ही बेहतर आदमी है। किस पार्टी से लड़े थे आप? मैं भाई साहब आज़ादी लड़ता हूँ, पार्टी का मेरा कोई समर्थन नहीं। इस बार भी आज़ादी लड़ूंगा। बाल हालांकि फ़ोन सबके आ रहे हैं, लोग बुला भी रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, बसपा वाले भी आ रहे हैं, बीजेपी वालों ने भी कहा था और मैंने सबसे मना कर दिया कि मैं किसी पार्टी से कोई समर्थन मैं नहीं आऊँगा। मेरा समर्थन जनता ही समर्थन है, मेरी ईमानदारी समर्थन होगी। अगर मैं बेईमान हूँ तो वो समर्थन होगा और मैं ईमानदार हूँ तो वो समर्थन होगा। मैंने जो 2011 की सूची दी थी, हम ही लोग प्रधान थे, वो सूची आवासों की थी और वो पात्र लोगों की सूची बनी थी। ये बात समझ में नहीं आई भाई साहब, मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों के ये बताना चाहता हूँ कि ये डीएम साहब तक मेरी बात पहुँचे कि वो 2011 की सूची नष्ट किसने करी और कैसे नष्ट हुई, और नष्ट अगर हुई तो उसमें फिर पात्र कहाँ गए और अपात्र कहाँ गए, और वो आवास खा कौन गया? जब गरीबों के ठुंड खड़े हैं तो वो आवास कहाँ चलेगा? ये बात हमारी समझ में से परे से बाहर है। इसकी मीडिया जांच करे और इसकी डीएम स्तर से जांच होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि नए डीएम साहब रामपुर आए हैं, वो
पूरे ज़िले के माई बाप हैं। अगर वो गरीबों के हमदर्द बनकर आए हैं, गरीबों का काम करने आए हैं हमारे जिला अधिकारी, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि केवल मेरी ग्राम पंचायत चमरौवा की जनता का, केवल पात्र आदमियों का खाली सर्वे करा लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिनके आवास बने हैं उनसे रिकवरी होना चाहिए, जिसने दिए हैं उसके खिलाफ़ FIR दर्ज होना चाहिए, और उन पात्र आदमियों के जो ठुंड खड़े रह गए कच्चे मकान उनके बनना चाहिए। उसी पैसे से तो एक पूरे देश में मैसेज जाएगा कि DM साहब जनता के हित का काम करने रामपुर आ गए हैं। और मीडिया का भी माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मीडिया ये बात पहुंचाए और उन घरों का सर्वे मीडिया करे। अधिकारी तो करें ही करें, लेकिन मीडिया को साथ लेकर करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 30-30 हज़ार रुपये आवासों पर लिए गए, जिन्हें जिन आवासों को जो अपात्र लोग थे उनको आधा आधा पैसा दे दिया, उनके मकानों पर पैसा दे दिया, उनके मकान उखड़े हैं नहीं, वो तो बने बनाए पे पैसा दे दिया है प्रधान ने। ये बात परहेज से बाहर हो रही है, ये बात हजम नहीं हो रही। ऐसी ऐसी रांड बेवा के मकान हैं कि चारपाई डालने की जगह उनके घर में नहीं, कच्चे मकान। यानी एक मकान मकबूल अभी मरे हैं, 5 महीने हुए हैं, उनका जनाजा उनके घर में रखने जगह नहीं थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ी तो दूसरे घर में जाना पड़ा। और उसकी बराबर में उसके सगे चचेरे भाई का मकान बना है, मकान उखड़ के बना है, आज दूसरे भाई का मकान है वो भी पक्का है, और उसका उखेड़ कर उसे बनाया गया, जबकि वो मेडिकल चलाता है जजाद वाला। अगर उसके केबल बैंक के खाते की जांच करा दी जाए तो अपातर है, केबल बैंक के खाते की। तो ये हुआ है चमरौवा में। मंडी समिति बेच ली गई, उसका आज तक कोई पता नहीं कि मंडी समिति वालों ने लीलाम किया है या प्रधान ने करा। प्रधान ने उखड़वाइए मंडी समिति की जो पूरी फाउंडेशन थी वो उखेड़ के प्रधान खा गया। कन्या पाठशाला फर्स्ट स्कूल पुलिस चौकी के ठीक पीछे, पुराना स्कूल सारा प्रधान उखेड़ कर, प्रधान का देवर, और अपने घर को ले गया, उसके सारे गार्डन ले गया, उसके शौचालय हम लोगों ने बनाए थे, मेरे टाइम में बने थे, शौचालय बनते ही थे स्कूल में, वो ले गया, उसका जो अतिरिक्त कक्ष था वो भी ले गया, जो संसाधन केंद्र अभी हमने बनाया था पिछले प्रधानी में, अभी प्रधानी के टाइम के चुनाव के टाइम 2015 में, उसके शौचालय भी ले गया। पुराने खरंजे उखेड़कर नाली बनाई हैं, जांच कर लें इसके अधिकारी, पुराने खरंजे उखेड़कर नाली बनाई हैं और नया बिल लगाया है ईंट का। जो खरंजा बचा है हमारे हाथों का वो उखेड़ के ले गया है, वो अपना घर बनाया। पूरे गाँव में आप पूछ लो खरंजा उखेड़कर कहाँ गया, आदमी खुद